अमेरिका में आखिरी बार फांसी कहां, किसे और क्यों दी गई, आज हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में आखिरी बार फांसी देखने के लिए ओवेंसबोरो केंटकी नामक जगह पर 10 से 20 हजार तक लोग इकट्ठे हुए थे। जिसे फांसी दी गई थी वह एक अश्वेत व्यक्ति था, शेरिफ एक श्वेत महिला थी। इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए देश भर से पत्रकार आए थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि यह अश्वेत व्यक्ति कौन था। उसका नाम रैनी बैथिया था और उसकी उम्र 22 वर्ष थी। उसने 70 वर्षीय लीशिया एडवर्ड्स के साथ बलात्कार करने का घिनौना आपराधिक काम किया। जब लीशिया एडवर्ड्स के घर उसके पड़ोसी ने दस्तक दी तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पड़ोसी ने अंदर जाकर देखा कि एडवर्ड्स अपने बिस्तर पर मृत पड़ी है। पोस्टमार्टम में पता चला कि पिछली रात ही उसका गला घोंटकर बलात्कार किया गया था। बैथिया, जिसका चोरी का आपराधिक रिकॉर्ड था, उसने कई ओवेंसबोरो में घरों में नौकर के रूप में काम किया। एडवर्ड्स जिस इमारत में रहती थी वहीं वह कार्यरत था। कमरे में एक सस्ती सी अंगूठी मिली जिससे वह संदिग्ध पाया गया। गिरफ्तार होने के बाद बैथिया ने अपना अपराध कबूल किया और न्यायाधीश ने बैथिया को 10 से 20 साल की जेल या मौत की सजा मिलनी चाहिए इसका निर्णय करने में 5 मिनट का समय भी नहीं लगाया और मौत की सजा सुना दी। इस घिनौने काम का आयोजन हैना नाम के एक किसान ने किया था जिन्होंने 70 फांसी की देखरेख की थी। ओवेंसबोरो में हैना ने बैथिया की गर्दन के चारों ओर फंदा लगाया और उसे फांसी दे दी गई। लेखकों ने और पत्रकारों ने इसे एक शर्मनाक बात बताई क्योंकि इस आयोजन में जो लोग इकट्ठे हुए थे उनका मकसद केवल मनोरंजन करना था। केंटकी में भी ऐसा हो सकता है, पत्रकारों ने और लेखकों ने अपने पत्रों में लिखा। 2 साल बाद राज्य ने सार्वजनिक फांसी को समाप्त कर दिया।